हाय गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं गाड़ी के शोरूम में गाड़ी देखने के लिए। गाड़ी के लिए बहुत टाइम से सोच रहे हैं, ऑलरेडी गाड़ी है लेकिन फिर भी एक गाड़ी के लिए काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं। और कभी मारुति, कभी नेक्सा, कभी होंडा, कभी अलग अलग कंपनियों की गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं। तो आज देखते हैं किस शोरूम के अंदर हम जा रहे हैं विजिट करने के लिए फॉर टेकिंग कार। तो डिसीज़न अभी बिल्कुल फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सा लेना है, कौन सा मॉडल लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है। बड़ा कन्फ्यूज़न है गाड़ी सही, चाहे कोई सी भी चीज़ हो कंफ्यूजन चलता ही रहता है दिमाग के अंदर कि ये ले लें, वो ले लें, फिर दूसरे नई कोई मॉडल आ जाते हैं तो फिर दिमाग वापस से चेंज हो जाता है। तो इसलिए आज देखते हैं कि कौन से मॉडल को देखने के लिए जा रहे हैं। अभी ये भी फाइनल नहीं है कि शोरूम में जाएंगे, पर सोच रखा है या तो नेक्सा, मारुति या होंडा, तीनों में से एक शोरूम में जाएंगे। तो देखते हैं अब किसके ऊपर चलते हैं। तो घर से यहाँ रवाना हो गए हैं और करीब जिस जगह हमारे को पहुँचना है, जयपुर में हैं हम, तो B2 बाईपास के पास में है वो विपुल मोटर्स का शोरूम, वहाँ हमें पहुँचना है। और करीब यहाँ से 8 किलोमीटर्स है वो। हम ऑन द वे हैं और गाड़ी के शोरूम में जा रहे हैं मारुति कंपनी के, क्योंकि मारुति में थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर बना हुआ है। और मारुति के अंदर ब्रेजा और अर्टिगा दोनों मॉडल को वहाँ देखेंगे, उसके बाद में डिसीजन लेंगे कि कौन सी ज़्यादा गाड़ी बेस्ट रहेगी। और मारुति की वैगन आर है, मारुति की वैगन आर से हम अभी जा रहे हैं। और ट्रस्ट फैक्टर की बात बताऊँ तो आपको मारुति के बारे में ज़्यादा किसी को समझाने की ज़रूरत है नहीं। मेंटेनेंस भी काफ़ी लो है और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम रहती है तो ईजी मेंटेनेंस उसका हो जाता है। तो अब वहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा भी दूसरी गाड़ी का भी चल रहा है दिमाग के अंदर, तो दूसरी गाड़ी भी एक बार इस गाड़ी को देखने के बाद में देखेंगे कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो वो जो सामने आपको मारुति लिखा हुआ जो शोरूम दिख रहा है वहीं हमारे को जाना है। तो बस इसी रोड से हमारे को वापस से यू टर्न लेना है और हम आ जाएंगे उस वाले शोरूम में। तो अब हम फाइनली आ गए हैं यहाँ शोरूम में और मैं अंदर जाके पहले डिस्कस करता हूँ, फिर आपको वीडियो बताऊंगा। तो गाइज मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ और गाड़ी का जो डैशबोर्ड है और इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा है। टच स्क्रीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं और स्पीड का मीटर भी इसके अंदर प्रॉपरली पूरा डिजिटल है। स्टीयरिंग में भी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, तो बैठने में काफ़ी अच्छी एक फील आ रही है इसमें। और जो सीट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है इन कंपेरिजन टू अर्टिगा। अभी अर्टिगा में मैं बैठा नहीं हूँ लेकिन मुझे मालूम है कि उससे ज़्यादा अच्छी इसकी फील है। सीट की ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है और पीछे का व्यू आप देख रहे हो, पूरी क्रोमिंग है गेट के ऊपर और लेग स्पेस भी पीछे काफ़ी अच्छा है। तो ये दिख रहा है आपको, मैंने बैक से ये आगे का व्यू लिया हुआ है तो दिमाग में ज़्यादातर यही कार मेरे सेट हो रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे क्या चीज़ आगे बैठेगी। और आगे की जो सीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल है और सॉफ्टनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। पीछे भी डिक्की के अंदर काफ़ी स्पेस है इसमें और आर्म रेस्ट है, बाकी के सारी की सारी चीज़ें एज़ यूज़ुअल जो दूसरी कार में होती है वो है। और 1500 सीसी का इंजन है। सो गाइज अभी हम खड़े हैं मारुति गाड़ी के शोरूम के बेसमेंट में और ब्रेजा हमने यहाँ पे देख ली है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर अर्टिगा देखेंगे। अर्टिगा किसी की यहाँ डिलीवरी कार है और उसके बारे में भी पूरा समझेंगे क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर और दोनों में से कंपैरिजन करेंगे, फिर देखते हैं आगे। तो गाड़ी के पूरे लुक के साथ साथ में इसका फ्रंट लुक भी बहुत शानदार ही है, साइड लुक भी काफ़ी अच्छा है और 15mm के टायर है इसके। अंदर का भी इंटीरियर ठीक ठीक है, सो सो है,
और जो डिक्की के अंदर स्पेस है वो काफ़ी कम है, लेकिन सीट यदि फोल्ड कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ मिल जाती है। लेकिन दिमाग में एक ये आता है कि भाई डेली ले जाने के अंदर थोड़ी सी ये गाड़ी अनकंफर्टेबल लगती है, स्पेस डिक्की में भी है। गाइस गाड़ी के शोरूम से बाहर निकल गए हैं और वापस जा रहे हैं, और हमने देख ली यहाँ पर अर्टिगा और ब्रेजा, दोनों में कंपैरिजन कर लिया। कल गाड़ी आएगी टेस्ट ड्राइव के लिए, टेस्ट ड्राइव करेंगे, देन उसके बाद में फिर डिसीजन लेंगे कौन सी गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेने का डिसीजन बड़ा कन्फ्यूजन वाला हो जाता है, क्योंकि कंपेरिजन सारी गाड़ियों को देख कर चलता है, कौन सी ले कौन सी नहीं ले, किसी में कौन से फीचर नहीं, किस में कौन से फीचर होते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। पर गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, इसी तरीके के डेली व्लॉग्स आपके सामने आते रहेंगे। तो घर पे आ गए हैं और कविश भी यहाँ पर मेरे साथ में आ गया है, और गाड़ियाँ देख ली, कंफ्यूज हो गए पूरे, अभी कुछ भी मालूम नहीं कौन सी लेंगे। वापस से फिर दोबारा से अलग अलग गाड़ी की टेस्ट ड्राइव में जाएंगे, बिकॉज प्रेगनार भी है और सियाज भी है। कविश तो कह रहा है यहाँ पर मेरी जैसी ये स्कूटर बाइक वाली कार ले लो, तो ये भी बहुत बढ़िया चलती है। कविश भी सजेस्ट कर रहा था। कविश फेवरेट कार कौन सी है? ये वाली, इसकी स्पीड बहुत तेज है। इसकी स्पीड बहुत तेज है? नहीं, वैसे कार कौन सी लेनी चाहिए अपने को? कोई कार का नाम बताओ ना, कौन सी कार बढ़िया सी कार है। इकोस्पोर्ट अच्छी लगेगी। इकोस्पोर्ट, इकोस्पोर्ट अच्छी लगेगी। और इकोस्पोर्ट है ना अपने पास, सीटी पड़ी हुई। नहीं, और इकोस्पोर्ट नहीं लेनी और दूसरी कोई लेनी हो तो कौन सी लें? इको स्पॉट से ले लें तो यार, कविश तो कह रहा है इको स्पॉट से ले लें। सजेशन बता दिए कि हमको इको स्पॉट लेनी चाहिए। इको स्पॉट लेनी चाहिए बिकॉज अपने पास में कौन कौन सी ऑलरेडी कार है। के पीछे कुत्ती होना चाहिए, उसके हाँ कुछ भी होगा का मतलब ये इको स्पॉट्स के पीछे स्टेप नहीं लगी हुई रहती है, टायर लगा हुआ रहता है। अब यहाँ पर इको स्पॉट्स। ओके, तो एक बार हम इको स्पॉट्स को भी ट्राई करेंगे, देन आफ्टर फिर बताएंगे। ओके गाइस।